रायपुर सुझाव छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा दिन है। सदन में स्कूल शिक्षा विभाग में घोटाले का मामला उठेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए चर्चा की जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री प्रिंसा सिंह के काम जवाब देंगे। सदन में गूंजेगा रेत के अवैध खनन का मुद्दा। मामले को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। रायपुर से खबर बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा दिन है। सदन में स्कूल शिक्षा विभाग में घोटाले का मामला उठेगा और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन का जो हम देखे तो पांचवा दिन है, स्कूली शिक्षा विभाग के घोटाले का मामला भी उठेगा, क्या कुछ पूरी अपडेट इस वक्त मिल पा रही है आपको? देखिए, पूरे सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर काफी आक्रामक नजर आ रही है। पहले एक दो और तीन दिनों की कार्रवाई को अगर देखा जाए तो जो धान खरीदी का मुद्दा है वो जोर शोर से सदन में उठा था। भाजपा के विधायकों ने लगातार वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी और कल की बात की जाए तो कल चौथा दिन था और चौथे दिन जो एक तरीका धान खरीदी का ही मुद्दा जोर शोर से उठता नजर आया। जो पूर्व मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं धरमलाल कौशिक, उन्होंने ये सवाल किया था कि जो धान खरीदी यहाँ पर की जा रही है उसकी निर्धारित कीमत क्या है, क्योंकि उसी को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। क्योंकि केंद्र ये कह रही है कि 1850 रुपए जो निर्धारित मूल्य है उनका, उसी के हिसाब से खरीदी होगा। लेकिन इस तरीके से घोषणा कांग्रेस की सरकार ने की है कि 2500 समर्थन मूल्य में धान खरीदी होगी, तो इसको लेकर अगर लगातार राड़ छिड़ हुई तो इसी को लेकर कल जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने सवाल पूछा था और जवाब से वो असंतुष्ट नजर। उसके बाद वहां पर बेल में जाकर नारेबाजी उन्होंने की थी, निलंबित वो हो गए थे। उसके बाद धरने पर जो गांधी की मूर्ति है विधानसभा में उसके सामने धरने पर बैठ गए थे। तो आज चौथे पांचवें दिन की बात की जाए, जो शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ था पूर्व में उसको लेकर यहाँ पर हंगामा सदन में हो सकता है। इसके अलावा सबसे जो भी वर्तमान में जो चीजें चल रही है, रेत खनन का मामला जोर शोर से उठ सकता है, क्योंकि इसको भी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभागों से संबंधित पत्रों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये जाहिर है कि अगर जयसिंह अग्रवाल के जिस तरह से हेमंत हम देखिए रेत खनन को लेकर तो रणनीतियां तो बनाई जा रही है पर नकेल नहीं कस पा रही है सरकार, कहीं ना कहीं हम देखें तो क्या लगता है नई रणनीति इसको लेकर के बनाई जाएगी? देखिए, बार बार जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि नई नीति बनाई जाएगी। नई नीति बनाई भी गई है, लेकिन जिस तरीके से जो अवैध रेत उत्खनन होता है उसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जाते। इसी की वजह से जो रेत माफिया है वो अभी बढ़ चढ़ कर अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा गया था कि रेत और खनन माफियाओं ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को फोन पर मारने की धमकी दी थी, तो तरह तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि आज ये दोनों विभागों के प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं, 6 पत्र प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। जो प्रतिवेदन है वो यहाँ पर सदन में रखे जाएंगे। इसके अलावा कार्यसूची में आज देखा जाए तो 24 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को शामिल किया गया, जिसमें पहले 4 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें रेत उत्खनन है, जल आवर्धन योजना है, पेयजल की व्यवस्था और कैंसर मरीजों की जो बढ़ती संख्या है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन ज्यादा ये ऐसा दिख रहा है कि रेत खनन पर हंगामा सदन में हो सकता है। इसके अलावा 3 विधेयक भी पेश किए जाएंगे और 4 विधेयकों पर टोटल चर्चा होगी। इसके अलावा कल भी इस बात का जिक्र मैंने किया था और आज भी कर रहा हूँ, 139 नियम 139 की चर्चा हाथियों के उत्पाद पर होगी। इसके अलावा 3 याचिकाओं की प्रस्तुति भी आज की कार्यसूची में शामिल की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत उस जानकारी को साझा करने के लिए। और खबर